नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। पुरी सूरत एक्सप्रेस ट्रेन रविवार देर रात एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। उड़ीसा के संबलपुर डिवीजन में तड़के पुरी ट्रेन एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ये हादसा हाथी के टकराने से हुआ। हादसे के बाद ट्रेन के इंजन के 6 पहिए पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि ट्रेन में सवार यात्रियों और लोको पायलट को कोई चोट नहीं आई है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अनुसार ट्रेन रविवार को सुबह 7:24 पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाथीवाड़ी से रवाना हुई। ट्रेन जब हाथीवाड़ी और मानेश्वर रेलवे स्टेशन के बीच पहुंची थी, उसी वक्त करीब 2:04 पर ट्रेन के सामने एक हाथी आ गया। हाथी से टकराने के बाद ट्रेन के इंजन, फ्रंट ट्रॉली के सभी पहिए पटरी से उतर गए। हालांकि हाथियों को लेकर पहले ही ट्रेन को अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसको देखते हुए ट्रेन की रफ्तार को कम रखा गया, लेकिन बावजूद इसके हाथी के ट्रेन से टकराने से हादसा हो गया। घटना के बाद काफी देर तक संबलपुर रूट कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो गया, जिससे कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। पुरी दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन को झुंझुनपुरा स्टेशन पर खड़ा करना पड़ा, तो वहीं कोरापुट भुवनेश्वर एक्सप्रेस के यात्री संबलपुर स्टेशन पर फंसे रहे। हालांकि कुछ देर बाद नया इंजन मौके पर पहुंचा और ट्रेन के सभी कोच को हाथीपुर स्टेशन वापस ऊपर चढ़ाया गया। उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। खबरों के मुताबिक हादसे में हाथी की मौत हो गई है। रेलवे और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि फॉरेस्ट एरिया में कई बार हाथी के आ जाने से ट्रेन हादसे का शिकार हो चुकी है। वहीं कई हाथियों की भी मौत हो चुकी है। हालांकि पटरी पर हाथियों के आने से रोकने के लिए रेलवे की ओर से प्रयास किए जाते रहे, लेकिन बावजूद इसके हादसे हो जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।